हेलो पीपल, वेलकम टू हिमांशी बॉल। और आज मैं आपको सिखाऊंगी मसाला आलू बैंगन कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दो बड़े बैंगन, देखिए ऐसे टुकड़ों में कटे हुए, ये मैंने इनको ऐसे धारी लगा दी है। दो बड़े आलू आधे टुकड़ों में कटे हुए बड़े बड़े। और मसाले के लिए हमें चाहिए, सूखे मसाले के लिए हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, और तलने के लिए थोड़ा सा तेल। तो आइए देखते हैं कि मसाला बैंगन कैसे बनाते हैं। देखिए हमने तेल गरम करने रख दिया था, अब इसके अंदर ये हम पहले बैंगन तल लेंगे। आलू और बैंगन को दोनों को साथ साथ नहीं तलेंगे, पहले हम ये बैंगन तल लेंगे। बैंगन हमेशा फुल आंच पे ही तलें, गलने में टाइम नहीं लगता है बैंगन को बिल्कुल भी। ये देखिए ऐसे पलटते जाएंगे। बिल्कुल बहुत जल्दी तल जाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारे बैंगन अच्छे से तल लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तल लिए हैं मैंने सारे बैंगन। अब मैं ये आलू तलूंगी, एक थोड़े थोड़े करके ये आलू भी मैं तल लूंगी। इसको आलू को थोड़ा कम आंच पे तलिए, नहीं तो गलेगा नहीं अच्छे से। ये देखिए व्यूअर, ये बैंगन और आलू हमने तल लिए हैं। ये देखिए क्रिस्पी बिल्कुल अच्छे से, ये दोनों बिल्कुल पक गए हैं, 100% पके हुए हैं। देखिए ये देखिए, अब इसका मसाला हम बनाएंगे। इसके मसाले के लिए हमें एक बाउल ले लेंगे। इस बाउल में डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच हल्दी, 3 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच अमचूर का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। यहाँ मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच नमक ले रही हूँ। अब इसे हम मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। इस टाइम भी आप टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का टेस्ट चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इस मसाले को हम ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्प्स नहीं आने चाहिए। देखिए बिल्कुल सूखा मसाला हमारा तैयार है। अब ये सूखा मसाला हम इस पे अपने आलू और इस पे छिड़क देते हैं। देखिए अब ये सूखा मसाला हम ये अपने ये इस सारे इस पे बैंगन पे और आलू पे छिड़क देते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। देखिए इनको मिक्स करने के बाद हम इसको वापस कढ़ाई में डाल देंगे। और ये बाकी बचा हुआ मसाला भी इस पे छिड़क देंगे। बहुत ही हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, नहीं तो बैंगन टूट जाएगा, उसका शेप ख़राब हो जाएगा बैंगन का। तो ये सारा मसाला देखिए हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, मसाला अच्छे से लग गया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे,
सिर्फ 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। आइए देखिए 2 मिनट हो गए हैं, हमारा मसाला बैंगन बिल्कुल तैयार है। आइए अब गैस बंद कर देते हैं और देखिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।